क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कि किस तरह हम एक सर्वर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे। तो हमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने लिखा था कि मैं किस कौन से फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखूं जिससे मुझे पता लगे कि ये मेरा एक परफेक्ट सर्वर प्लानिंग हुई। तो जिसे बोलते हैं हम हाई लेवल डिज़ाइन, तो मैं सर्वर के केस में कैसे करूँ वो। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है और ये चेंज होगा जब आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट जाएंगे। जैसे अगर मैं क्लाउड की प्लानिंग बोलूँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, और अगर मैं ऑन प्रेम जिसे बोलते हैं डाटा सेंटर प्लानिंग बोलूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। तो मैं आपको तीन चार फैक्टर अभी बताने वाला हूँ, और वो फैक्टर्स को अगर आप प्रॉपरली उस अपने जो KPIs हैं की पैरामीटर इंडिकेटर्स, अगर उन फैक्टर्स के साथ आप मैप करोगे तो आप में से नौ बारी यू विल बी वेरी क्लोज कि आपने अच्छा ही प्लान किया। ठीक है, और इट गोज़ विद बोथ क्लाउड और नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ओके, तो दोस्तों। जो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों वो है फ्यूचर इंक्रीमेंटल प्लानिंग। ये जो होता है कि अगर मुझे आज सर्वर मैंने एग्जाम्पल के मैंने 5 GB मैम रैम और 100 GB हार्ड डिस्क के हिसाब से ले लिया, ठीक है, एक सैम्पल साइज ले रहा हूँ मैं, और मुझे एक साल में मुझे लगता है कि मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा 10% से। तो मुझे जो आज मैंने उसके ऊपर स्पेस मैनेजमेंट किया उसके हिसाब से मैं 70% यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 साल के अंदर तो मेरा वो सर्वर आउटडेट हो जाएगा। तो क्या मैंने अपना प्लान जो किया है वो प्रॉपरली किया है सर्वर? नहीं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपना डेटा देखें कि वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ईयरली, उस हिसाब से आप हमेशा 5 ईयर या 7 ईयर प्लान करके चलते हैं। जनरली 3 ईयर प्लान फॉर सर्वर रिफ्रेश जो आपका हार्डवेयर होता है, 5 ईयर आपका लॉन्ग टर्म जिसमें आप रिटायर कर देते हैं। 7 साल तक कोई ही प्लान करता है आजकल, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है। और सेम केस अगर मैं क्लाउड के साथ जाऊँ, क्लाउड में ये होता है कि आप डेडिकेटेड इंस्टांस लेना चाहते हो, स्पॉट इंस्टांस लेना चाहते हो, कि ऑन डिमांड, मैं AWS की टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ आपको, लेकिन सेम गोज विद फॉर अदर क्लाउड्स। ओके, तो इसमें आपको डिसाइड करना कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो किस किस तरह चलती है। वो आपकी एप्लीकेशन को आप एक बार ही बना के टच नहीं करोगे, कि फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, या फिर वो आपको पूरे दिन नहीं चाहिए, आपको कुछ टाइम ही चाहिए। तो ये आपका पहला फैक्टर है कि आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अपना सर्वर प्लान करो। तो अब आप देखेंगे जो आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी वो स्पेस की प्लानिंग आती है, इसे बोलते हैं फ्यूचर एडवांस प्लानिंग। ओके, आप इसमें करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पैरामीटर। जो सेकंड पैरामीटर है वो रिलायबिलिटी। ठीक है, आप कुछ कोई भी चीज़ लेते हो तो आप एक चीज़ 1,000 रुपए की आती है और दूसरी चीज़ आती है वही 10 रुपए की, लेकिन 1,000 रुपए आप क्यों देने को तैयार हो जाते हो? क्योंकि आपको लगता है जो उसमें पार्ट है वो बड़े जेन्यून है। ठीक है, तो आप रिलायबिलिटी के ही पैसे दे रहे हो, राइट? तो ऐसे ही आपका सर्वर प्लानिंग में भी होता है। तो सर्वर प्लानिंग में आपको वेंडर डिसाइड करना है। तो वेंडर आप किस तरह डिसाइड करोगे? आपको DC लोकेशन डिसाइड करनी है, आपको क्लाउड डिसाइड करना है। आप ज़्यादातर जाते हो रिलायबिलिटी में कि कौन से क्लाउड में कम आउटेज के चांसेस हैं, कौन से DC में कोई ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आ रही। आप अपने सर्वर को वहाँ नहीं रख सकते जहाँ आपका सर्वर हर रोज़ बंद हो रहा है, लाइट नहीं है, और आपसे आपके पास एक ही निक सपोर्टेड है। अगर आपका एक निक डाउन हो जाता है तो आपका सर्वर आउटेज में चले जाता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन उस पर रन हो रही है वो डाउन चले गई। तो रिलायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि आप अपना रिलायबिलिटी इंडेक्स डिसाइड करें कि मुझे रिलायबिलिटी 90% रखनी है, 30% रखनी है, और ये भी डिफर करती है। अगर मेरे पास 10 सर्वर हैं और हर सर्वर एक एक दिन एक मंथ में खराब होता है तो मेरा रिलायबिलिटी इंडेक्स 90% नहीं है। ठीक है, मेरा रिलायबिलिटी इंडेक्स कम है, बिकॉज आप एवरेज देख रहे हो, एक्चुअली आपकी रिलायबिलिटी पर सर्वर डाउन है। ओके, सो इस तरह आप अपने सर्वर प्लानिंग में जो आपका सेकंड मेजर फैक्टर है वो है रिलायबिलिटी। थर्ड मेजर फैक्टर, जो आपका थर्ड मेजर फैक्टर दोस्तों वो है अवेलेबिलिटी। आज मेरा सर्वर डाउन हुआ वो कब तक रिपेयर होगा? आज मेरा इंस्टांस डाउन हुआ वो कब हील होगा? मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल, मेरे आज इंस्टांस में हार्ड डिस्क डाउन हो गई, आज मेरे इंस्टांस में निक डाउन हो गया, क्या मुझे ऑन साइट सपोर्ट है वहाँ? क्या वहाँ वेंडर मेरा आके रीच करके उसको रिपेयर कर सकता है कि क्या मुझे सर्वर वहाँ से लेके जाना पड़ेगा? अगर मैं क्लाउड की बात करूँ, एक मेरा इंस्टांस टर्मिनेट हो जाता है, क्या मेरा स्टैक ऑटो स्केलिंग सपोर्ट करता है? क्या मेरे पास, अगर मैं स्पॉट इंस्टांस सेलेक्ट करता हूँ, क्या मुझे ये रिस्क तो नहीं है कि वो मुझे बिल्ड में अभी आएगा नहीं, आई नीड टू वेट? तो वो क्या चीज़ है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आपने रेफ्रिजरेटर ए कंपनी का ले रखा है, ए कंपनी के 10 सर्विस सेंटर हैं आपके घर के आसपास और बी कंपनी का एक भी सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन बी कंपनी ने आपको रेफ्रिजरेटर सस्ता दिया था। तो यहाँ आपने मिस्टेक की, आपने अवेलेबिलिटी फैक्टर नहीं चेक किया। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सर्वर की प्लानिंग करो, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करो, आइदर क्लाउड और नॉन क्लाउड, अवेलेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अब जो आगे वाले फैक्टर हैं वो डिफर करते हैं क्लाउड और नॉन क्लाउड में। जैसे अभी मैं नॉन क्लाउड की बात करता हूँ, फॉर्म फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं? कि मैं कितने कम स्पेस में कितना, कितनी अच्छी तरह उसको यूज़ कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों के फॉर्म फैक्टर्स बड़े एफिशिएंटली डिज़ाइन होते हैं। अगर आप फेसबुक देखो, वो अपने सर्वर्स खुद डिज़ाइन करते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म फैक्टर हैं। नॉर्मली कई लोग वेंडर्स के साथ जाते हैं, कई मीडिया कंपनीज दे जनरली गो विद डेल और आप सिस्को, यूसीएस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना फॉर्म फैक्टर डिज़ाइन करना है, एक कम से कम स्पेस में मैं उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकूँ। मैं ब्लेड टाइप सर्वर के साथ जाऊँ, मैं रैग माउंट के साथ जाऊँ, और कि मैं नॉर्मल नॉर्मल में एक एक नॉर्मल रैग होता है जो 14 पोर्ट स्विच होता है, जो एक नॉर्मल आपके जिसमें आप बुक्स रखते हो ऐसा रैग होता है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है और आपको कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए। लेकिन क्लाउड में फॉर्म फैक्टर डिफरेंट तरीके से डिफाइन होता है। क्लाउड में आपका फॉर्म फैक्टर, मैं फॉर्म फैक्टर की जगह इसको देखूंगा आपका हाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। आपकी एप्लीकेशन रीजनल है कि ग्लोबल है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड में हाई अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी जोन्स पे। तो फिर आपको वो थोड़ा डिफरेंट प्लानिंग है, उसमें आपको ये देखना है कि मेरी एप्लीकेशन तीन डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स पे रहे और वो फेलियर सपोर्ट कर सके। लेकिन DR दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो DR के लिए आपको नेटवर्क देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। तो पहले जो तीन फैक्टर थे, देवर कॉमन, अवेलेबिलिटी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, और थर्ड था आपका रिलायबिलिटी। ये जो फोर्थ है इसे बोलते हैं रिडंडेंसी, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो DR और आपकी हाई अवेलेबिलिटी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट केसेस में है। तो आज के बाद अगर आप सर्वर की प्लानिंग करो तो ये चार पैरामीटर मैप करो, यहाँ अपना बजट लिखो और ये आप अपने बेस्ट सुटेड ऑप्शंस लिखो, और बाद में आप ड्यू डिलीजेंस करो और ये अपना प्लान, ये प्लान आप किसी को रिव्यू करवाओ जिसको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज हो। तो इस तरीके से आप फिर दोनों बात कर सकते हो कि यार ये इंस्टांस टाइप क्यों नहीं, ये क्यों, मैं रेडिस के साथ इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकता, मैं MongoDB के साथ इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकता। ओके, मेरा ये डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा स्पेस और मैं बहुत कम यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं डेटा सेंटर सस्ता क्यों नहीं ले सकता, मैं 3 साल ऑन डिमांड लूँ कि 1 साल ऑन डिमांड लूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप उसको मैप कर लीजिए और देन यू गो फॉर इट। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का हाई लेवल डिज़ाइन है उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करते हुए, लेकिन कई कंपनीज काफ़ी डिफरेंट तरीके से हर चीज़ की प्लानिंग करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा, बैंकिंग में अलग तरह होता है, मीडिया में अलग तरह होता है, हेल्थ में अलग तरह, फार्मा में अलग तरह, रिटेल में अलग तरह। तो ये हो गया इंडस्ट्री प्लानिंग। ओके, सो होपफुली आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा इस वीडियो से, और मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुछ क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग था, 3-4 मंथ से काफ़ी सब्सक्राइबर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, सो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के इसको क्लियर कर देना चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और